पीएम मोदी आज अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए। पीएम के अमेरिकी दौरे में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच रणनीति पर चर्चा की उम्मीद है। इस बीच देश में चीन को लेकर घमासान शुरू हो गया है। चीन के बहाने कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस एलएसी के हालात पर श्वेत पत्र की मांग पर अड़ गया है। कांग्रेस ने सोमवार को चीन से लगी सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर स्थिति को लेकर श्वेत पत्र लाने और संसद में भारत चीन सीमा विवाद पर व्यापक चर्चा की मांग की। कांग्रेस ने कहा, 3 साल पहले 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान झड़प के बाद सर्वदलीय बैठक में कहा था कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है ना ही कोई चौकी दूसरों के कब्जे में है। वहीं मोदी के टिप्पणी एक दिन पहले विदेश मंत्रालय के जारी बयान के विपरीत थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि गलवान की घटना इसीलिए हुई क्योंकि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने और सीमा के भारतीय हिस्से में तंबू लगाने की कोशिश की थी। क्योंकि भारत नहीं चाहता है, इंडिया डज नॉट वॉन्ट टू पोक चाइना, इफ आई रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स करेक्टली। तो इस परिस्थिति में एक बहुत गंभीर सवाल पैदा होता है और यह हमारी मांग है। हम पहले भी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसको दोहरा चुके हैं कि क्या जो मानसून सत्र आ रहा है संसद का, उसमें विस्तार पूर्वक चीन पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है कि नहीं। हमारी मांग है कि एलएसी के ऊपर जो परिस्थिति है उस पे एक व्यापक चर्चा भारत की संसद में होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए। कांग्रेस के चीन पर श्वेत पत्र की मांग को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, चीन को लेकर के ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए था, पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के। मुझे ताज्जुब होता है, हैरानी होती है और कई दफा दुख होता है कि हमारी जो सरकार है लाल आंख सिर्फ मुहावरे की तरह इस्तेमाल करती है। कांग्रेस के श्वेत पत्र की मांग के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी का कहना है कि जब से भारतीय सेना ने चीन को करारा जवाब दिया है तब से कांग्रेस में चीन से ज्यादा बेचैनी देखने को मिली है। ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को नहीं खदेड़ा, ऐसा लगता है जैसे चाइना के सैनिकों से जो एक होता है जीरो बॉर्डर, उसमें जो चाइना के सैनिक कोशिश कर रहे थे पिटे, तो ऐसा लगता है कांग्रेस पिट गई, राहुल गांधी जी को चोट लग गया। और जब जब उसकी याद आती है इनको दर्द होता है। दरअसल चीन के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है, लेकिन इस लड़ाई में एलसी की हकीकत जानने की चिंता कम सियासत ज्यादा नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।